अगला सवाल जो बड़ा ही कॉमन है, बहुत सारे पेरेंट्स के द्वारा ये पूछा जाता है, माताएं अक्सर परेशान रहती है कि बच्चा अचानक से हमारा रोने लग जाता है और बड़ा ज़ोर ज़ोर से रोता है, हम कोशिश करते हैं तो भी चुप नहीं होता। तो जो नवजात शिशु होता है वो पहले जन्म के बाद पहले 6 महीने तक कई बार ऐसा देखा गया है कि वो काफ़ी रोता है। उसके मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण बच्चे के पेट में दर्द, दूसरा कारण बच्चा भूखा है, उसको दूध पर्याप्त नहीं मिला है, और तीसरा कारण हो सकता है बच्चे के कान में दर्द। ये 3 समस्याएं मेनली देखी गई है। तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे को क्या है? अगर कान में दर्द होगा, बच्चा अपने कानों पर ऐसे ऐसे हाथ लगाता है, वो ऐसे झटका मारेगा, कान को बार बार टच करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे के कान में दर्द है, या फिर आपको लग रहा है कि उसमें से कुछ पानी आ रहा है तो डेफिनेटली कान का इन्फेक्शन है। दूसरा, बच्चे को दूध सफिशियंट मिला है कि नहीं मिला है, वो माँ को खुद को धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कुछ दिनों में ही कि माँ का फीडिंग अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चे ने पहले फीडिंग में अच्छे से दूध पिया है कि नहीं पिया, या 2 फीड के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 3 या 4 घंटे का हो गया है, तो वो माँ को खुद को एडजस्ट करना है। उसके लिए अपने कोई दवा नहीं है, ऐसी कोई भी तरीका नहीं है, वो माँ खुद समझेगी कि बच्चे को किस तरीके से फीडिंग करवाना है। तीसरा कारण पेट दर्द, जो सबसे कॉमन कारण है। उस पेट दर्द में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि बच्चे को जितनी बार फीडिंग कराते हैं उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसे कंधे पे रखना है, जिसे बर्पिंग कराना कहते हैं, या कि कॉमन भाषा में डकार लेवाना। बच्चे को ऐसे कंधे पे रखेंगे, ये बच्चे का सर है, ये यहाँ पे रहेगा, और बच्चे के कमर के भाग के हिस्से को जो पेट के पीछे का हिस्सा होता है उसको ऐसे ऐसे थपथपाना है नीचे से ऊपर, ताकि जो गैस है वो डकार के रूप में निकल जाए। अगर वो गैस नहीं निकलेगी तो बच्चे का पेट दर्द होना स्वाभाविक है। बच्चे को थोड़ी देर आप उल्टा भी लेटा सकते हैं अपनी गोद में, उसके पीठ पर हल्के से मालिश कीजिए। कई घरेलू नुस्खे हैं जो आप जानते होंगे, जैसे हींग लगाते हैं कमर पे। बच्चे को देना कुछ भी नहीं है मुंह से, कोई किसी प्रकार की गुट्टी या ये चीज़ें नहीं देनी है, उसके कमर में थोड़ा हींग लगा के मालिश किया। इन सब चीज़ों से बच्चे के पेट दर्द में आराम मिल सकता है। उसके बाद भी अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आपको जल्द से जल्द अपने नियर बाय पेडियाट्रिशियन या शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। धन्यवाद।